वेलकम टू SBICJ2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि गोली प्रश्न के मुख्य फोकस क्या होते हैं और फोकस दूरी क्या होती है। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के संबंध में इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था, बताया था। और आज के वीडियो में आपको समझना है कि लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो प्रश्नों से घिरा होता है, लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, वे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर कॉन्वेक्स लेंस का है, ये लेंस बीच में मोटा और किनारे पतला होता है, अर्थात वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस की है, यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को भी इनको तीन तीन भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तल लेंस के तीन भाग हैं, फर्स्ट है बाइकॉन्वेक्स लेंस, द्वि-उत्तल लेंस, दूसरा प्लेनोकॉन्वेक्स लेंस समतल उत्तल लेंस, तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस अवतल उत्तल लेंस। यहाँ देख रहे हैं जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दोनों सरफेस की हमने दिखाई है, तो इसके दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इट मीन्स आर वन एंड आर टू इज इक्वल टू आर एंड आर वन आर टू डज नॉट इक्वल टू आर, इट मीन्स इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो द्वि-उत्तल लेंस होता है इसके दोनों प्रश्न उत्तल होते हैं इसलिए इसे द्वि-उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा भाग आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस समतल उत्तल लेंस है जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है, अर्थात एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल होता है इसलिए इसको हम समतल उत्तल लेंस इट मीन्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तीसरा पार्ट देख रहे हैं आप कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस अवतल उत्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर वन और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर टू है, इसमें भी आर वन और आर टू डिफरेंट होंगे, इसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल होता है इसलिए हम लोग इसको अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस के भी तीन पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिचुएशन स्पष्ट की गई है। पहला पार्ट है आपका बाइकॉनकेव लेंस, द्वि अवतल लेंस, इसमें इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं इसलिए इसको हम द्वि अवतल लेंस कहते हैं। और इनकी वक्रता त्रिज्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेकेंड पार्ट है प्लेनो कॉनकेव लेंस, इट मीन्स इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है इसलिए इसको हम लोग समतल अवतल लेंस कहते हैं। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है और अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है इसलिए इसको हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं। तीसरा पार्ट है इसका कॉन्वेक्सो कॉनकेव उत्तलावतल, इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है इसलिए इसको हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। इनकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और आर टू डिफरेंट होगी, एक मैक्सिमम और सेकेंडरी मिनिमम होगी। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट कर लिया कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस के वक्र पृष्ठ बेलनाकार परवलयाकार गोली हो सकते हैं, अधिकांशता लेंस की प्रकृति गोलाकार होती है।
लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस भी मैंने स्पष्ट किया कि उत्तल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो बीच में मोटे किनारे पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस भी हमने स्पष्ट किया कि वे लेंस जो बीच में पतले किनारे मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भी तीन तीन पार्ट होते हैं, उनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। थैंक यू।